मैं कह रहा हूँ आप जाट समाज के गौरव हो, आप एक किताब लिखे और मैं बेटियों को बोल रहा हूँ आप इनकी हेल्प करें और मोदी जी से वो किताब इनकी लॉन्च करवाएंगे हम लोग। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ जिस प्रकार अपना काम कर रहे हो, उस हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हो, इसको और आगे बढ़ाइए। जातगढ़ तहसील के चारवास गाँव में चौधरी खुमा राम जी समाज सेवी आदमी है। इन्होंने जितनी समाज की सेवा की है शायद इस तहसील में किसी आदमी ने इतने रुपए दान के नहीं किए। गाय की सेवा करना ही परम धर्म है और गौशाला पूरी ये चला रहे हैं और कितनी शानदार मंदिर भी आप देखिए कि एक भव्य मंदिर यहाँ छोटे से गांव में बनाना, तो गौशाला भी उसी तरह से, तो ये वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है इनका कार्य। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली सारीज, घंटा घर के पास सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज रामनवमी का पावन पुनीत अवसर है और आज चाड़वास के प्रसिद्ध भामाशाह आदरणीय खुमाराम जी मुकेश जी गोदारा परिवार के द्वारा नवनिर्मित मंदिरों का प्रांपष्टा समारोह आयोजित हो रहा है। पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर, वीर तेजाजी महाराज का मंदिर, हनुमान जी महाराज, शिव परिवार और लोक देवताओं के अनेक यहाँ मूर्तियों की स्थापना आज होने वाली है। साथ में उस खुमाराम जी गोदारा के परम पूज्य पिताजी और माताजी की मूर्तियों का अनावरण भी आज होने वाला है। 7 दिन की भागवत कथा के बाद में आज प्रांपष्टा समारोह होने वाला है। बहुत बड़े बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे हो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिलहाल ठीक 11:15 बजे मूर्तियों की प्रांपष्टा होने वाली है। अनुष्ठान इन समय चल रहा है। खुमाराम जी गोदारा जो कि कुवैत रहते हैं और महान समाज सेवी, राजस्थान सरकार के द्वारा अनेक बार आपको भामाशाह पुरस्कार से नवाजा गया है। 10,000 से ज़्यादा युवाओं ने आपने रोजगार दिया है और करोड़ों रुपए के काम इस क्षेत्र में आपने स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में और गौशाला में करवाए हैं। आइए चाड़वास से आज के इस प्रांपष्टा समारोह का अवलोकन करते हैं। राजस्थान के महान भामाशाह खुमाराम जी गोदारा को देखे सभी बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि बहुत पुनीत कार्य किए हैं, गौशाला की स्थापना की है। 100 गौ माताएं आप इस गौशाला में रखकर सेवा करेंगे और राधा कृष्ण भगवान का, तेजाजी का, बालाजी का, अनेक देवताओं का मंदिर यहाँ पर बना है जिसके आज प्रांपष्टा हो रही है। सभी खुमाराम जी गोदारा को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। कुवैत रहते हैं, 10,000 से ज्यादा युवाओं का आपने रोजगार दिया है। ऐसे महान भामाशाह का ऐसे सुधा भी अभिनंदन करता है। क्षेत्र के गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं, अनेक गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं। किसान नेता हरलाल सिंह जी थेतलिया यहाँ पर पहुंचे हैं खुमाराम जी गोदारा को बधाई देने के लिए और सारे लोग गौशाला का अवलोकन भी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग 150 से ज्यादा गायों की सेवा व्यक्तिगत रूप से ये परिवार करेगा। इससे पहले भी करोड़ रुपए अपने गौशाला के लिए लगाए हैं। आज गौशाला की स्थापना पहले हो चुकी है लेकिन इसका उद्घाटन विधिवत हो रहा है। साथ में पीछे आप देख रहे हैं जो मंदिर है इसमें तेजाजी महाराज, राधा कृष्ण, हनुमान जी, शिव परिवार, अनेक मूर्तियों की स्थापना हो रही है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का कार्य खुमाराम जी गोदारे ने किया है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ तहसील के चारवास गाँव में चौधरी खुमाराम जी आर्य समाज सेवी आदमी हैं। इन्होंने जितनी समाज की सेवा की है शायद इस तहसील में किसी आदमी ने इतने रुपए दान के नहीं किए हैं। इन्होंने ये 100 बीघा जमीन जो हमारी एरिया में तो ये 225 बीघा कहलाती है, 100 बीघा पक्की जमीन में इन्होंने गौशाला का निर्माण किया है, मंदिर का निर्माण किया है, तेजाजी का किया है, राधा कृष्ण की मूर्ति का किया है। इन्होंने जितना विकास का काम इस सुजानगढ़ तहसील में चारवास गाँव में जितना किया है उतना किसी समाज सेवी व्यक्ति ने इतना रुपया नहीं किया, करोड़ों रुपये इन्होंने चंदे के दिए हैं। आने वाले हर आदमी को इन्होंने, जो भी इनके पास गरीब आकर, इन्होंने गरीब आकर किसी ने फरियाद की कि चौधरी साहब मैं गरीब हूँ मेरे को कुछ दो, तो दोनों हाथों से खुले रुपए बांटते हैं। आज ये देखो गौशाला, रामनवमी का दिन है, रामनवमी के दिन, रामनवमी के पर्व पर भगवान राम का 12 बजे जन्म होता है रामनवमी के दिन, तो रामनवमी के दिन देखो आज कितनी गायें हैं, कम से कम 150 से 200 गायें यहाँ हैं, कितना बड़ा भव्य मंदिर है, सारी जमीन में कितनी बड़ी गौशाला के लिए कितना बड़ा अन्न पैदा, कितना बड़ा अन्न है, कितना बड़ा चारा है। सबसे बड़ी चीज ये सारे काम आप बता रहे हैं, बहुत बड़े काम है लेकिन 10,000 युवाओं को कुवैत में आपने रोजगार दिया है, सरकारें नहीं कर पाती इतना कार्य। हाँ हाँ बिल्कुल दिया है 10,000 इस कम से कम सुजानगढ़ तहसील के या अन्य तहसील के भी जो भी इनके पास कुवैत में गया उन सबको इन्होंने धंधा लगाया है और उनका शोषण नहीं किया, तन मन से उनको, जिनको किसी ने यह कह दिया कि मेरे घर में बहन की शादी है तो इन्होंने खुले हाथ से, मजदूरी कम बनती थी तो भी इन्होंने लाखों रुपए उसको दे दिया कि बहन। बहुत अच्छी बात है सर, एक कमेंट आपसे लेना चाहूँ, पहले अपना परिचय बताएं। केसरदेव नेहरा,
रिटायर्ड जीएम बीएसएनएल से। बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का, क्योंकि एक बैंक अधिकारी आप हैं और इतने बड़ा दान, जमीन करोड़ों रुपए की दान, करोड़ों रुपए की नगद, कितने सारे काम आप कर रहे हैं। खूम जी के लिए क्या कहें, इनको तो कहते हैं ना सूरज को दीपक दिखाना है, ये बहुत बड़े भामाशाह है, चूरू के रजिस्टर्ड भामाशाह है। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित। हाँ सम्मानित है, रजिस्टर्ड है कह रहा हूँ, वैसे नहीं है। दूसरा, ये आसपास के गांवों के जितने भी युवक है ना जो घूम रहे थे जो गायों की तरह, उसको कुवैत ले जाके सब वो क्या है कि काबिल बना दिया इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। खूम जी के लिए बहुत से लोग हैं जो इनके साथ रहते हैं, ये बहुत कुछ बताएंगे। मैं तो दूर से देख रहा हूँ, ये लोग साथ रह रहे थे, मेरा भांजा है यही ले गए थे और इन्होंने आज क्या है कि अच्छा काम कर रहा है, ये भी अपने आप एक बिजनेसमैन हो गया है, ये खूम जी की देन है। एक मिनट आए, आप एक कॉमेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि जब आप, क्योंकि हजारों लोग हैं उन सब से बातचीत नहीं कर सकते। आप कितने वर्षों से खूम जी के यहाँ काम कर रहे हैं? सर मैंने बहुत काम किया है, इनके तन मन धन से काम किया, इन्होंने मेरे को बेटे के समान मान के काम मेरे का पालन पोषण किया है, आज मैं जो भी हूँ इनकी बदौलत। कितने वर्षों से गोविंद आप इनके? 25-30 साल से। 25-30 सालों से आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबसे बातचीत नहीं कर सकते, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए भगवान का रूप है खुमाराम जी गोदारा। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो गौशालाएं बनाते हैं, जो मंदिर बनाते हैं, वो भगवान तुल्य होते हैं, लेकिन हजारों युवकों को जो जैसा कह रहे हैं कि जिस तरह से गायें घूमती है, वैसे ये बेरोजगार घूम रहे थे, आज उनको इतना सारा कार्य करवाए हैं, तो निश्चित रूप से मैं देखिए कितने गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये सब वास्तव में खुमाराम जी के इस पुनीत कार्य की सराहना कर रहे हैं, अपने समाज के इस गौरव का अभिनंदन कर रहे हैं। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत मैंने ये देखी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनके घमंड नाम की कोई चीज नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल भी घमंड नहीं है इनके, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े के इनका संस्कार ऐसा है कि हर बड़े आदमी के पैर छूते हैं और बराबर वाले के ऐसे हाथ मिलाकर गप्पी गाल कर स्वागत करते हैं, ऐसे बिल्कुल बहुत सही बात कही है, क्योंकि मैं तो खुद इनके 7 वर्षों से रह रहा हूँ। भागवत कथा में हमने देखा बुजुर्ग महिला आती थी, उनको खुद हाथ पकड़ कर लाकर बैठाते थे, उनको शरबत पिलाते थे, तो ऐसे निश्चित रूप से व्यक्तित्व का हम अभिनंदन करते हैं। गणमान्य लोग बहुत सारे पहुँच रहे हैं। जी जी सर, परिचय बताएं पहले। मैं अमलाराम वागड़ोदा, शरबत प्रतिनिधि जी, नवीपुरा पंचायत। क्या कहना चाहेंगे आप, शेखावाटी से फतेहपुर से आए हैं? शेखावाटी हमारे ये राजस्थान के पहले भामाशाह है ना, हमारे भाई हैं, हमें गर्व है इनका। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, छोटे से शब्दों में कह दिया जो मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जाट समाज गर्व करता है, और मैं कह रहा हूँ एक समाज का व्यक्ति नहीं, खुमाराम जी गोदारा ने कभी जात नहीं देखी है, जैसा अभी आप भी बता रहे थे, किसी भी जाति का व्यक्ति आया, छत्तीस कौम का या मुस्लिम समाज का भी आया, उनको भी आपने काम दिया है, और ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से हम बारंबार नमन करते हैं। खुमाराम जी गोदारा द्वारा निर्मित गौशाला और मंदिर मूर्ति पांचटा समारोह में पधारे गणमान्य लोग आप देख रहे हैं, खुमाराम जी गोदारा को बधाइयां दे रहे हैं और उनके महान कार्यों की सराहना कर रहे हैं। हम गौशाला पहुंच चुके हैं, खुमाराम जी के भाई पूनाराम जी जो कि गौशाला का पूरा कार्य देखते हैं गांव में रहकर। आजा देखो अभी गायें आई है, देखिए देखिए पुकारते गायें आने लगी है, ये है गौ माता के प्रति प्रेम। देखिए जैसे ही पूनाराम जी और खुमाराम जी गौशाला में पहुंचे हैं, गायें दौड़ कर आई है, ये है देखिए गायों का प्रेम, देखिए गायें कितना प्रेम करती है, सारी गायें दौड़ पड़ी है। गौशाला का दृश्य देख रहे हैं, 150 से ज्यादा गायों की सेवा यहाँ पर हो रही है, सभी गौ सेवा कर रहे हैं, गायों को गुड़ खिलाया जा रहा है, देखिए सुंदर नजारा है, बड़ा सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। देखिए मूर्तियां अब मंदिर में आ रही है, गणेश जी महाराज की प्रतिमा मंदिर में आ रही है, देखिए मैं इस समय राजस्थान के चुरू जिले के छोटे से गांव चाड़वास का नजारा दिखा रहा हूं, जहां पर एक साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति खुमाराम जी गोदारा ने आज पूरे देश में अपना नाम रोशन कर दिया है। कुवैत में छोटा सा काम शुरू किया था, आज 10,000 से ज्यादा युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया है और वहां का पैसा कमाकर अपने जन्मस्थली पर लगा रहे हैं और करोड़ों रुपए के कार्य आपने करवाए हैं।
और आज पूरा परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। परिवार की बिटिया भी गौरव है। आप डॉक्टर हैं, मैं इस समय डॉक्टर लक्ष्मी जी के साथ उनसे बातचीत करूंगा। कितना गर्व हो रहा है परिवार पर, अपने पिताजी पर, जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है। पापा पे तो हमेशा से गर्व था। बोले पापा पे हमेशा से गर्व था। पापा ने बहुत सारी चीज़ें की है, हॉस्पिटल्स हो, गौशालाएं हो, पहले भी गौशाला बनाई थी, अभी थोड़ी लार्जर स्केल पे है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्लस वो लोगों के लिए बहुत कुछ करते आते हैं हर दिन, गरीबों के लिए, कन्याएं हो, गरीब कन्याएं कन्या विवाह करवाते, सामूहिक पुलिस स्टेशन में बनवाना हो या फिर यहाँ पे अनाथ आश्रम में कुछ भी करना हो, तो पापा हमेशा करते आए, तो अच्छा लगता है। और एक चीज़, अपनी कमाई में से कुछ पार्ट हमेशा लोगों के लिए देना और जन सेवा में हमेशा आना, कार्य करना, तो ऑब्वियसली बहुत प्राउड फील होता है। प्लस अपने मदर फादर के लिए इतना सोच के आज मूर्ति स्थापना में है, दादा दादी के लिए। आई थिंक माँ बाप के लिए इस टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जो उनको हमेशा पता है, उनका नाम हमेशा चलाते, उनको जिंदा रखना, उनके नाम को बढ़ावा देना और ये सब कर पाते हैं। तो आई थिंक मैं भी बहुत लकी हूँ, पापा का देखते हुए मेरे को भी ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए एंड अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर लक्ष्मी संकल्प चौधरी जी ने कितनी खुशी, कितना गर्व अपने पिताजी पे किया है। निश्चित रूप से करें कि पैसा बहुत लोगों के पास हो सकता है, लेकिन अपने पैसे का सदुपयोग करना, जरूरतमंद लोगों के लिए लगाना और समाज के लिए कुछ करना, वही मायने में सच्चा पैसा है। और निश्चित रूप से हर कोई खुमाराम जी गुजार पे आज गर्व कर रहा है। आप मंदिर का नजारा देख रहे हैं, जहाँ पर पांचवा समारोह शुरू हो रहा है। श्री खुमाराम जी गोदारा, उनकी धर्मपत्नी जी मोहिनी देवी जी मंदिर में पहुंच चुके हैं और मूर्तियों की पांचवा पुनीत कार्य प्रारंभ हो रहा है। अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं मुकेश जी गोदारा, उनकी धर्मपत्नी जी आप देख रहे हैं। पांचवा समारोह में बहुत ही श्रद्धा के साथ आप भाग ले रहे हैं, मुकेश जी गोदारा और रौनक जी गोदारा को आप देख रहे हैं। चाड़वास में मूर्ति पांचवा समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र जी झाझड़िया पहुंचे हैं। गोदारा परिवार और सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि देश के लिए एक सेलिब्रिटी हैं देवेंद्र जी झाझड़िया। एक साधारण परिवार से निकलकर पूरी दुनिया में डंका बजाने वाले, और मैं कहूंगा खुमाराम जी गोदारा से कहीं ना कहीं ये व्यक्तित्व मिलता है, क्योंकि बचपन खुमाराम जी गोदारा का भी बहुत संघर्ष में बीता है और आज उन्होंने दुनिया में नाम कमाया है। देखिए सभी मुलाकात कर रहे हैं देवेंद्र जी से। पद्म भूषण और भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया चाड़वास पहुंचे हैं खुमाराम जी गोदारे के यहां पर मूर्ति पांचवा समारोह में, और देखिए सभी उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं और बहुत कम लोग उनसे मिल पाए, लेकिन जब से आप भाजपा के प्रत्याशी बने हैं पूरे जिले में लोगों से मिल रहे हैं और हर कोई उनका स्वागत कर रहा है। ये देखिए मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है, गणेश जी महाराज, सबसे पहले गणेश जी महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है। गणेश जी महाराज की प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान गजानन जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा कर रहे हैं कुमाराम जी मुकेश जी गोदारा और मनी देवी जी गोदारा। गोदारा परिवार की महिलाएं भी देवेंद्र जी से मिल रही है, लक्ष्मी जी, रौनक जी, सभी जी महाराज की प्रतिष्ठा हो चुकी है। और देवेंद्र जी झाझड़िया सबसे पहले गोदारा परिवार के साथ गणेश जी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देखिए गणेश जी महाराज को नमन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए कुमाराम जी से आशीर्वाद ले रहे हैं देवेंद्र झाझड़िया जी, प्रणाम करके। मित्रों चाड़वास का नजारा है, जहां पर आज गणेश जी महाराज, राधा कृष्ण, हनुमान जी महाराज, शिव परिवार की मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध भामाशाह सरकार द्वारा अनेक बार सम्मानित कुमाराम जी गोदारा के द्वारा ये गौशाला मंदिरों का निर्माण हुआ है, और यहाँ पर दर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, दो बार गोल्ड मेडलिस्ट और पद्म भूषण
देवेंद्र झाझड़िया जी पधारे हैं। मैं कहूंगा कुमाराम जी और देवेंद्र जी में जो समानता ये है कि दोनों ने बचपन में संघर्ष किया है। कुमाराम जी ने बचपन में कुवैत में जाकर संघर्ष करते हुए आज ये मुकाम प्राप्त की है। तो आपने 7 वर्ष की उम्र में करण छाट कट जाने के बावजूद भी जिस तरह के संघर्ष करके पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है, ऐसे दो व्यक्तित्व का मिलन, बधाई देने के लिए यहाँ पर देवेंद्र जी पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कुमाराम जी गोदारा के इस पुनीत कार्य में आज पहुंचे? आज देखिए गोदारा जी समाज के गौरव हैं, देश के गौरव हैं ये। और सबसे बड़ी बात, मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी। आप करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हो, वो इसलिए हो कि आपके पास कुछ नहीं था। आज सबसे बड़ी बात यह कि इस क्षेत्र को इन्होंने रोजगार देने का काम किया है। मेरा यही तो कॉन्सेप्ट है, जो लोग प्रवासी राजस्थानी हैं या हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों को हम यहाँ लाएंगे। ये लोग बहुत काम करने के इच्छुक हैं, यहाँ पे रोजगार देने के इच्छुक हैं। और इससे एक बात और कहना चाहता हूँ मैं तो आपको कि आप एक किताब जरूर लिखें अपनी जीवन के संघर्ष की। आप लिखें, आपसे इतने लोग प्रेरणा लेंगे, मैं मेरे तो हाथ के रोंगटे खड़े हो गए। देख लो आप कि आपने इतना संघर्ष किया है। मैं आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ। देवेंद्र जी, एक बात हमेशा चुनाव प्रचार में आप कहते हैं कि दिल्ली से जाट समाज की पत्रिका निकलती है, उसमें मेरा नंबर 3रे स्थान पर मेरा नाम पढ़कर मुझे गौरव होता है। आपको लगता है कि कुमाराम जी का भी नाम उसी पुस्तक में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल इनका होगा। और ये भी मेरी तरह हैं, ये प्रचार कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। इन्होंने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। ऐसे जो समाज, जाट समाज के जो ये लोग हैं, इन लोगों को, इनसे प्रेरणा मिलती है। ये वो लोग हैं जो पिलर बोलते हैं हम इनको, ये पिलर हैं और ये हमारी धरोहर है। इन धरोहरों से हमें सीखना चाहिए। चलिए लंबी बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, बहुत जगह जाना है। लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात कही कि आज समाज के पिलर है जिस पर जाट समाज की बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है। और निश्चित रूप में तो कहूंगा कुमाराम जी गोदारा और देवेंद्र झाझड़िया जी दोनों जाट समाज के गौरव हैं और दोनों की मुलाकात आज रामनवमी के दिन पावन पुनीत अवसर पर मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोनों का। देखिए गोदारा परिवार बहुत ही प्रसन्न है देवेंद्र जी के आने से। देखिये देवेंद्र, दोबारा रिपीट करें आप। ये मैं कह रहा हूँ, आप जाट समाज के गौरव हो, आप एक किताब लिखे और मैं बेटियों को बोल रहा हूँ आप इनकी हेल्प करें और मोदी जी से वो किताब इनकी लॉन्च करवाएंगे हम लोग। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि इस पर किताब लिखी जाए और डॉक्टर लक्ष्मी जी से ये निवेदन किया गया है और मैं मोदी जी से उसका विमोचन करवाऊंगा। बहुत बड़ी बात कही है देवेंद्र जी ने। देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आज चाड़वास में। टिकट विधायक उषाराम जी गोदारा पहुंचे हैं कुमाराम जी को बधाई देने के लिए। क्षेत्र के तमाम नेता, गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं कुमाराम जी को बधाई देने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। राधाकृष्ण की मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राधाकृष्ण की मूर्तियों की प्रतिष्ठा, राधाकृष्ण भगवान की मूर्तियों की प्रतिष्ठा हो रही है। विधायक उषाराम गोदारा जी उपस्थित हैं कुमाराम जी और मुकेश जी के साथ। आज चाड़वास के लिए एक यादगार दिवस है जब यहाँ पर चाड़वास बिदासर रोड पर, चाड़वास से 4 किलोमीटर की दूरी पर कृष्ण गौशाला की स्थापना हुई है, जहाँ पर राधाकृष्ण भगवान साथ में वीर तेजाजी महाराज, गणेश जी महाराज, सभी देवताओं की मूर्तियों का यहाँ पर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रामनवमी के दिन हो रहा है। और साथ में कुमाराम जी के माताजी और पिताजी की मूर्तियों का अनावरण भी होने वाला है और अनावरण करने के लिए विधायक रतनगढ़ पुषाराम जी गोदारा पहुंच चुके हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। कितना गर्व हो रहा है अपने समाज के एक व्यक्ति पर जिसने केवल धार्मिक क्षेत्र में नहीं सामाजिक क्षेत्र में काम किया है और विदेशों में रहते हजारों युवाओं को रोजगार भी दिया है और आज एक पुनीत कार्य का उद्घाटन करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मामा साहब भाई कुमाराम गोदारा ने शानदार राधा कृष्ण जी का, वीर तेजाजी का मंदिर का निर्माण किया, उसके बाद में आज उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है जिसमें मुझे भाग लेना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो अपने माता पिता जिनके चीर स्थाई
यादगार के लिए मूर्तियों का अनावरण भी कराया जा रहा है। इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शानदार तरीके से यहाँ गौशाला का निर्माण कराया, लाखों रुपए खर्च किए और एक साथ साथ में धार्मिक के कार्यक्रम शानदार तरीके से अपने स्तर पर किया और फिर अपने माता पिता की चिर स्थायी यादगार के लिए एक संदेश समाज में गया है कि भी हमारे माता पिता बुजुर्ग भी भगवान के सम्मान है, उनका आशीर्वाद बनता है, आशीर्वाद मिलता है तभी लोग आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। ऐसी स्थिति में आज मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का भाई खुमाराम गोदारा ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आह्वान करना चाहता हूँ जिस प्रकार अपना काम कर रहे हो, उसमें हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हो, इसको और आगे बढ़ाए, ये मेरी शुभकामना है। देखिए मूर्तियों का अनावरण हो रहा है, कुमाराम जी के पिताजी और माताजी की मूर्तियों का अनावरण विधायक पुसाराम जी गोदारा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, देखिए अपने पिताजी को तिलक कर रहे हैं कुमाराम जी गोदारा, मूर्ति जिसका अभी भी अनावरण हुआ है गौशाला में, भगवान की मूर्तियां लगाई, अपने माता पिताजी की मूर्तियां लगाई क्योंकि पहले भगवान माता पिता होते हैं। माताजी की मूर्ति पर तिलक किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है। ये माता पिता जिन्होंने ऐसी औलाद को जन्म दिया है, क्योंकि कहा गया जननी जने तो भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी मती गमाजी हूर। ऐसा दानवीर पुत्र कुमाराम जी जैसा जन्म दिया है इस माँ ने, जिसका पूजन पुत्र कर रहा है। और अब देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं विधायक, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं विधायक पुसाराम जी गुजारा। ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है सभी। जी के पिताजी उदाराम जी और माताजी माली देवी जी की मूर्तियों का अनावरण हुआ है। तेजाजी महाराज की मूर्ति की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई है, तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हुआ है और आप देख रहे हैं तिलक कर रहे हैं वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति पर कुमाराम जी गोदारा। पंडित ओम जी शर्मा के सानिध्य में ये प्रतिष्ठा समारोह रहा है और अब विधायक पुसाराम जी गोदारा पूजन कर रहे हैं तेजाजी महाराज का। माला पहना रहे हैं विधायक। देखिए तेजाजी महाराज के जयकारे लग रहे हैं। आरती महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है, तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हो चुका है। आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग इस पापसा समारोह में शामिल होकर कुमाराम जी गोदारा का अभिनंदन कर रहे हैं। खुद विधायक पुसाराम जी गोदारा पहुंचे यहाँ पर प्रतिष्ठा समारोह में और उन्होंने उनके माता पिताजी और तेजाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। 7 दिन की भागवत कथा के बाद आज रामनवमी के मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई है। महाराज की आरती हो रही है मंदिर में। जय गणेश देवा।
माता जानकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश माता जानकी पार्वती पिता महादेवा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि अग्नि ही प्रजा बहुला करो पयोरी तो अश्वा सुधत द्वादश भगवान की आरती हो रही है। बहन के द्वारा आता किया जा रहा है। पवन पुनीत पापस्ता समारोह संपन्न हुआ है। बहन बेटियों ने आरती करके संपादित किया कार्यक्रम। कुमाराम जी की बहन अपने भाई और भाभी का आरती कर रही है। बहन अपने भाई और भाभी का आरती करके तिलक कर रही है। ये परंपराएं हमारी सुंदर। पंडित गण आशीर्वाद दे रहे हैं, पूजा का फल प्रदान कर रहे हैं। श्री कुमाराम जी गोदारा के ससुराल पक्ष से उनका अभिनंदन हो रहा है। उनके साले जी आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से गर्व है ससुराल पक्ष को कि इतना पुनीत कार्य कुमाराम जी ने किए हैं। पुरखाराम जी खटगढ़ आप देख रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और अपनी बहन को चुनरी उड़ा रहे हैं। ये सनातन धर्म की सुंदर परंपराएं हैं। हमारे धर्म की सुंदर परंपरा है जिनका निर्बंध हर धार्मिक अनुष्ठान के बाद में होता है। लीला जी भी आप देख रहे हैं, मोनी देवी जी का सम्मान कर रही है। परम पूज्य व्यास जी महाराज, हंसराज जी महाराज पधारे हैं, सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। जिनके सानिध्य में
सात दिन तक सभी ने श्रीमद् भागवत कथामृत का पान किया। व्यास जी महाराज गणेश जी का आशीर्वाद ले रहे हैं प्रतिष्ठा के बाद। आज जिसे आशीर्वाद ले रहे हैं कुमाराम जी गोदारा और मुकेश जी गोदारा। भगवान को भोग लग रहा है प्रसाद का। भारत सरकार के एडवोकेट बजरंग लाल जी यहाँ पर पधारे हैं, जो कि कुमाराम जी के मित्र भी हैं, रिलेटिव भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह का पुनीत कार्य कुमाराम जी ने किया है और आज इतना सुंदर यहाँ पर रामनवमी के दिन कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कुमाराम जी पूरे राजस्थान में एक किसान के घर जाए जन्मे और इन्होंने जो अपने बिजनेस में जो प्रोग्रेस किया है और उस साथ साथ में जो मानव की सेवा के लिए परमार्थ के लिए इन्होंने इस प्रकार का नाम किया है कि आज हमारे सामने ये बहुत बड़े उदाहरण बन गए पूरे राजस्थान के लिए, गौरव का विषय है। इन्होंने पीछे भी गौशाला बनवाई, अभी भी गौशाला बनवाई और उसके बाद में दो मंदिर यहाँ कृष्ण भगवान और गणेश भगवान के इन्होंने मंदिर बनाए, पीछे गेस्ट हाउस और इस इलाके में प्रशासनिक क्षेत्र में बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाना, यानी राजस्थान में एक पहले ऐसे दानदाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये दूसरे बांगड़ है इस मरुद धरती के। बहुत बड़ी बात कही, दूसरे बांगड़ है क्योंकि बांगड़ के बारे में कौन नहीं जानता है डिडवाना के। और वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, दोनों क्षेत्रों में कुमाराम जी गोदारा ने अविस्मरणीय कार्य करवाए हैं। परिवार के गणमान्य लोग पधार रहे हैं, परिजन बधाइयां दे रहे हैं मुकेश जी और रौनक जी को, उनके साडू पीयूष जी और उनकी धनपति जी पधारी है। किसान नेता लाल जी थेपलिया का सम्मान किया जा रहा है कुमाराम जी गोदारा के द्वारा। सरपंच अमर सिंह जी का सम्मान करें कुमाराम जी। केसर देव जी नेरा का सम्मान हो रहा है। सीतानाराम जी का सम्मान हो रहा है। गोपाल सिंह जी चौधरी का सम्मान हो रहा है। सापा पहनाकर सभी अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं कुमाराम जी। राजपाल जी सम्मान कर रहे हैं कुमाराम जी गोदारा को पगड़ी पहनाकर। बागर जी थेतलिया का सम्मान कर रहे हैं। गोपाल जी थेतलिया का सम्मान हो रहा है। जी ढाका शिखर से पधारे हैं। राम प्रसाद जी लंबा का सम्मान। भगत जी थेतलिया का सम्मान। परम मित्र है दोनों। राम अवता जी थे नालंदा का सम्मान हो रहा है जी का सम्मान हो रहा है। धर्म भाई है कुमाराम जी के कटोदा से पधारे हैं। पंत साहब हैं बागड़ोदा के का सम्मान हो रहा है। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी जी का सम्मान मोहिनी देवी जी गोदारा कर रही है। सुजानगढ़ नगर परिषद के वरिष्ठ पार्षद दीनदयाल जी पारिक का सम्मान कर रहे हैं कुमाराम जी। पार्षद पुरुषोत्तम जी शर्मा का सम्मान कर रहे हैं कुमाराम जी। भाजपा के युवा नेता विमल गोदारा का सम्मान कर रहे हैं कुमाराम जी। सुजानगढ़ भाजपा के युवा नेता कमल जी दादीज का सम्मान कर रहे हैं कुमाराम जी। उत्सव का माहौल है आज चाड़वास में। कुमाराम जी गोदारा ने क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिया है और सब आकर बधाइयां दे रहे हैं कुमाराम जी को। चाड़वास में आज निश्चित रूप से रामनवमी के इस पावन अवसर पर भव्य उत्सव का माहौल है, क्योंकि आज कुमाराम जी गोदारा इस गौशाला में अनेक मंदिरों का निर्माण के बाद में प्रतिष्ठा का समारोह हुआ है। अभी यहाँ पर सुजानगढ़ की युवा नेत्री और नगर परिषद सुजानगढ़ में नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी पधारी हैं, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का कार्य छोटे से गांव में जन्म लेकर पुनीत कार्य महान कार्य कुमाराम जी गोदारा कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि आप बहुत अच्छा हर व्यक्ति के बारे में बोलती हैं। जी मैं पिता तुल्य कुमाराम जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो आज ये भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण करवाया है। मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, ये बहुत बड़े भामाशाह हैं और दानवीरता में अग्रणी हैं ये, तो इनके बारे में बहुत सुना है। आज इनके आशीर्वाद लेने का भी मुझे मौका मिला और मिला है तो ऐसा मिला है कि मैं हमेशा याद रखूंगी, ऐसा आशीर्वाद इन्होंने मुझे दिया है। तो मैं तो ईश्वर से यही कहती हूँ कि
आज छोटे से गांव में इन्होंने जो किया है, क्योंकि दर्शन ईश्वर का करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, और इन्होंने ऐसा एक मंदिर बना दिया कि हमेशा लोग दर्शन का लाभ उठाएं, तो न जाने कितने पुण्य इन्होंने आज कमाए हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे से आगे इनको दिनों दिन और उन्नति प्रदान करें और इनकी मनोकामना पूरी हो, और इसी तरह से ये समाज की सेवा करते रहें, देश की सेवा करते रहें। धन्यवाद। गौशाला की स्थापना 150 गायों की सेवा आप बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, गाय की सेवा करना ही परम धर्म है, और गौशाला पूरी ये चला रहे हैं, और कितनी शानदार मंदिर भी आप देखिए कि एक भव्य मंदिर यहाँ छोटे से गांव में बनाना, तो गौशाला भी उसी तरह से, तो ये वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है इनका कार्य। मैं धन्यवाद करती हूँ इन्हें, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल, जंगल में मंगल की कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि चाड़वा से बिदासर के बीच में ये मंदिर यहाँ पर बना है, गौशाला है, और पहले भी आप गायों की खूब सेवा कर रहे हैं गौशाला के माध्यम से। अब इन्होंने व्यक्तिगत अपनी गौशाला जहाँ पर 150 गायों की सेवा हो रही है, और जो कोई भी आ रहा है यही कह रहा है कि छोटे से गांव में जन्म लेकर जो महान कार्य कुमाराम जी गोदारा कर रहे हैं, उनका जितना अभिनंदन किया जाए, जितना सम्मान किया जाए कम है। हर व्यक्ति का सम्मान हो रहा है यहाँ पर आज, जगदीश जी का सम्मान हो रहा है जो कि पार्टनर है कुमाराम जी गोदारा के, मुकेश जी गोदारा उनका सम्मान कर रहे हैं, जितेंद्र जी जो कि दुबई से पधारे हैं उनका सम्मान हो रहा है, सभी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं प्रतिष्ठा के बाद, लक्ष्मण जी जाखड़ का सम्मान कर रहे हैं कुमाराम जी, राम जी पिलानिया का सम्मान कर रहे हैं कुमाराम जी। देखिए भक्तों की भीड़ लगी है मंदिर में दर्शन के लिए, जी गोदारा का सम्मान किया जा रहा है। गोदारा परिवार की खासियत यह है कि ये बोलते कम है और सेवा ज़्यादा करते हैं। आज रामनवमी के दिन जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, पूरा चाड़वास में कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग जमीन पे उतर आए हैं, और इस समय मेरे साथ मुकेश जी गोदारा, उनकी धर्मपत्नी जी रौनक गोदारा जी हैं, और साथ में माँ मोहिनी देवी जी हैं। तो मुकेश जी तो बोलते नहीं है कुमाराम जी की तरह, केवल काम ही करते हैं, लेकिन रौनक जी से एक कॉमेंट लेना चाहूँगा, कितना गर्व हो रहा है जिस परिवार की आप बहू हैं, और परिवार इतना पुनीत कार्य कर रहा है, हजारों युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, इतने सुंदर कार्य सरकारी क्षेत्र में किए जा रहे हैं, आज मंदिर का प्रांशता का कार्यक्रम हुआ है, 7 दिन की भागवत कथा हुई है, और आपने खूब श्रद्धा से पूजन भी किया है। इस समय मेरे को बहुत गर्व फील होता है कि मैं इस ऐसे घर की सदस्य हूँ, और मेरे जो पिताश्री हैं इतना पुण्य काम करते हैं। धन संपत्ति कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आज हर एक इंसान के पास धन संपत्ति होगी, दुनिया में बहुत लोग होंगे जिनके पास में भंडार भरे होंगे लाखों के, लेकिन अपनी कमाई हुई धन संपत्ति को पुण्य कार्यों में लगाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो मेरे पिताजी करते हैं। मेरे को बहुत गर्व फील होता है कि मैं इनके घर की बहू हूँ। मानगढ़ के वरिष्ठ समाज से भी मंगीलाल जी भाटी का सम्मान किया जा रहा है मुकेश जी के द्वारा। अनुष्ठान में प्रकाश जी का सम्मान हो रहा है, अनुष्ठान में पधारे सभी गणमान्य लोगों का गोदारा परिवार सम्मान कर रहा है। भागवत जी को अब भगवान के मंदिर पहुंचा जाएगा। कुमाराम जी मस्त पुनः मस्तक पर धारण कर रहे हैं भागवत जी को, व्यास जी हंस जी महाराज धारण करवा रहे हैं। प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। मोहिनी देवी जी कलश मस्तक पर धारण कर रही है। सभी भागवत जी के जुलूस में शामिल है। 8 दिन पहले बुधवार के दिन इस अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ था। ठाकुर जी के मंदिर चाड़वा से शोभा यात्रा निकली थी, कुमाराम जी ने मस्तक पे भागवत जी को धारण किया, मोहिनी देवी जी ने कलश को धारण किया, और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में 5 किलोमीटर तक नंगे पांव ये यहाँ पर गौशाला पहुँचे थे, और 7 दिन की भागवत कल संपन्न हो चुकी है, और आज मंदिरों में देवताओं की प्रतिष्ठा हो चुकी है, और अब भागवत जी को परम पूज्य हंसी महाराज के सानिध्य में पुनः भगवान कृष्ण के मंदिर पहुँचाया जा रहा है, और सभी भक्त आप देख रहे हैं कीर्तन करते हुए मंदिर के लिए भागवत जी को लेकर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा भागवत जी की। नारायण नारायण सूर्य नारायण।
यज्ञ शुरू होने वाला है। श्री कुमार राम जी गोदारा सहपत्नीक और मुकेश जी गोदारा उनके भाई सभी यज्ञ करेंगे। यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापना हो रही है। कुमार राम जी गोदारा ने अपने माताजी पिताजी का बहुत सुंदर स्मारक बनाया है, जिसका आज लोकार्पण हुआ है। बहुत सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई है। पिछले 8 दिन से चाड़वास की ये पावन पवित्र धरा पूरी तरह से बहुत ही सुंदर नजर आ रही है। पहले 7 दिन की भागवत कथा हुई और आज यहाँ पर देख रहे हैं तेजाजी महाराज, भगवान कृष्ण, शिव परिवार, हनुमान जी महाराज और कुमाराम जी गोदारा के माताजी पिताजी की यहाँ पर मूर्तियों का अनावरण हुआ है। और ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, जहाँ पर 7 दिन तक भागवत कथा वृत्त का पान भक्त जिन्होंने किया है।